I would like to say one thing, that first of all, I would like to thank Inclab News Network. They have supported really well, and they are here for us, especially we are just celebrating the, you know, Cancerian birthday. So this is really different, atmosphere that we have been giving this event to all of my friends. Especially, I would like to thank Akib Sheikh and Salman Shehbaz Merchant. I always forgetting his name. And Mr. Saeed Saab, our chief coordinator, Sameena Shehzad, she's basically her birthday of tonight. And she's really, really, really nice women, working women. Zahoor Hussain, and he came for me, Zain Javed, moderator Sheikh. I would like to thank all of the people, and photography thanks, my friend Shoaib Bhatti, he have supported really well. And thank you so much for all of you to being here with me. And usually कोई एक हमेशा हर कोई एक ही birthday celebrate करता है किसी एक बंदे की, तो we have just taken the idea. And then फिर मैंने जिसको भी बोला on a very short notice, जहूर को और मेरे और friends हैं शाजिया गौहर, she is a designer as well and friend of mine. I really would like to thank her that she's here. Zahoor Hussain, Shoaib Bhatti, Zain Javed, all the people. And if I'm forgetting someone, so I'm sorry. Shania Khan, Sherry especially. And Islamabad se bhi guest hamare liye aaye hain. Aur Inclab ka to bahut daun hai, kyunki Inclab is just like my family, because I'm working there. Aur kaam ke saath saath, they really support me. Especially you, Mr. Furkhan Farooqi sahab. And all the other people, Sami darling, and the other people. So I would like to thank all of jinhone bahut support kiya. Itne short notice mein humne plan out kiya aur sabne bahut support kiya. Thank you so much, all of. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब मेरे बडीज़ हैं और ये शर्बील का आइडिया था कि हम सब कैंसेरियन हैं तो हम सबको एक साथ केक कट करना चाहिए. और आजकल हम लोग लाइफ इतनी वो हो गई है, बिजी हो गई है कि हम लोगों को इकट्ठे इस तरह बैठने का मौका बहुत कम मिलता है, तो हमने सोचा नहीं होना चाहिए इस तरह. तो बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, रमज़ान भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें भी हमने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया इसके लिए भी. तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, स्पेशली जो मैं इनकलाब को थैंक यू कहना चाहूँगी, आपकी पूरी टीम को, कि आप लोग यहाँ आए टाइम निकाल कर. सो थैंक यू ऑल. अस्सलाम वालेकुम आप लोगों के चैनल को. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि शहरी ने हम लोगों के लिए इतना बड़ा प्लान ऐड किया. और आप अक्सर जो यहाँ पे देखते जाते हैं भाई, हर किसी की सिंगल बर्थडेज होती है और एक केक कटिंग सेरेमनी के बाद सब घर चले जाते हैं. ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने एक कंबाइंड एफर्ट लिया है सारे कैंसेरियंस को एक रिमार्केबल डे देने के लिए, कि उनको एक साथ इकट्ठा किया ऑल टुगेदर को और फिर उन लोगों को एक ट्रीट दिए. तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्रेस. और हम जो सब मीडिया के फ्रेंड्स आप लोग हम सब एक जगह पर ज्वाइन हुए, इट्स अ गुड सेलिब्रेशन कि रमज़ान के महीने में हम लोग इकट्ठापन दिखा रहे हैं. एंड आई होप ऑल एवरीबॉडी के सब ऐसे ही खुश रहें. थैंक यू वेरी मच. हाँ वह रमज़ान के महीने में, और जैसे कि शहरी ने कहा कि सब कैंसियन एक ही मंथ में एक ही डे में एक बर्थडे होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा सा इवेंट है, डिफरेंट इवेंट है कि एक सारे कैंसेरियन एक जगह जमा हैं और अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो डिफरेंट इवेंट. और फर्स्ट ऑफ ऑल शहरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई एम सो हैप्पी एंड एंजॉइंग. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. ये काफ़ी खाले महीने से पहले से एक जहन के अंदर एक ये चल रहा था कि यार कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि अब कभी मैं हूँ, शहरी हैं, इसकी सालगिरह दो दिन पहले आ रही है, मेरी सालगिरह दो दिन बाद आ रही है, और की आ चुकी और की आने वाली है, तो किसको विश करें, क्या करें, फिर रमज़ान का महीना. हमने कहा कुछ ऐसा एक इवेंट कर लेते हैं कि जहाँ पे हम लोग सब एक जगह गैदर हो जाएं. ज़ाहिर है रमज़ान का महीना, उसको वो तो नहीं कह सकते कि कोई हम वो, मगर ये एक थोड़ी सी गेट टुगेदर हमने कहा अफ्तार के बाद एक जगह बैठ के हम इसको कर लें. और अल्लाह का शुक्र है वो एक दिन के एक नोटिस के ऊपर, यानी कि जगह भी हो गई, सारा कुछ हो गया और सारा प्लान आउट होके माशाल्लाह हमने ये कर लिया. और मेरा ख्याल आपके सामने, आप काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं, आप भी देख रहे हैं, इनकलाब की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और काफ़ी सारे मीडिया के लोग मौजूद हैं, वो भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ऐसे तरीके से हमने इसको कर लिया. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. मेरी शहरयार ने और आसिम ने मुझे भी इन्विटेशन, ख़ास इन्विटेशन दिया कि मेरी बर्थडे भी इसी में कैंसेरियन पार्टी में हो रही है. मेरी 7 जुलाई थी और इन लोगों ने मुझे भी बुला के मुझे बहुत इज्जत अफजाई दी. बहुत मज़ा आया यहाँ पर.
जी सबसे पहले तो मैं आसिम साहब और शहरी का थैंक्स करूंगी बहुत दिल से, क्योंकि उन्होंने आज स्पेशली 17 को मेरी बर्थडे थी तो वो एक कंबाइंड बर्थडे की उन्होंने सेलिब्रेट की, और क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, हर कोई अलग फंक्शंस कर रहा होता है, तो सबने एक ही जगह एक कंबाइंड एक यूनिक बिल्कुल आइडिया है शहरी का और आसिम का, और इनकलाब चैनल का, इनकलाब न्यूज़ का मैं बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतना एफर्ट किया, इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया। जितने भी फ्रेंड्स आए हुए हैं सब बहुत माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, सबकी बर्थडे, सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल हैं, इतनी हम लोग मसरूफियात में रमज़ान में टाइम निकाल के आए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली एक शूट पे थी तो मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि आए, मैंने भी कहा देखो जाके कि पार्टी में क्या है, लेकिन यहाँ आकर रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। शहरी और आसिम दोनों इतने अच्छे हैं कि इनको क्या कहें, बहुत अच्छे हैं ये। थैंक यू। मैं ठीक। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स कहना चाहता हूँ आसिम अंकल और शहरी भाई को कि इन्होंने कितनी अच्छी पार्टी अरेंज की। बस बहुत मज़ा आया, फूड वॉज वेरी गुड, लोग बहुत अच्छे हैं और स्पेशली मीडिया भी आया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं शहरी के लिए, स्पेशली केक बहुत मज़े का था जी, और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत और कामयाबी अता फरमाई। एंड सॉरी मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये सारी मेरी टीम है, इन्हें शर्बील हो गया, आसिम हो गया, इन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बडीज़ हैं, और खुशी हो रही है कि हम मतलब फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के लिए इतना मतलब डिफरेंट सा आइडिया है ना, अच्छा लग रहा है। और उन्होंने डेफिनेटली मुझे पूर को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है काम में भी और वैसे भी, जैसे आज बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है तो यही शर्बील का था। मैं शर्बील को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया, और ये जितने भी गेस्ट आए हैं लाइक जहूर साहब आए हैं और जितने भी हैं ना सबको, और स्पेशली आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर आए कवरेज की, थैंक यू सो मच। इस खास मौके पे शहरी के लिए, यासिम के लिए, या सबके लिए, या इस दे आर ऑल नाइस पीपल, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ओवरवेलम हो गई हूँ मैं आके यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शनाया खान और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दोस्त शराबील इज़ अ वेरी गुड पर्सन, एंड इसके अलावा आज हम यहाँ पे मौजूद हैं शराबील की बर्थडे पार्टी में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बल्कि शराबील ही नहीं इसके साथ साथ आसिम और मेरी बेस्ट फ्रेंड साइमा, उन दोनों की भी बर्थडे पार्टी है जो कि हम बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन की जा रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी थी, हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा, ये है कि सारे फ्रेंड एक जगह होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और शराबील का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो बहुत हमारा अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त है, काफ़ी मुलाकात रहती है उससे हमारी, और बस ये कि बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, थैंक यू। बहुत शहरी हमारे भाई हैं और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमें इन्वाइट किया और करते रहते हैं इनके साथ हम लोग काम, और बहुत मज़ा आया यहाँ पर, सब अच्छे गेस्ट थे यहाँ पर, शहरी, आसिम और हमारे जहूर भाई हैं, तकरीबन सब लोग यहाँ पे अच्छे थे और बहुत अच्छा काम यहाँ हुआ, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा और स्पेशली आप लोग इनकलाब का भी, क्या बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों से भी मिलते रहते क्योंकि हम भी मीडिया पर्सन हैं तो हम भी आपको देखते रहते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सईद शाह और मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा हूँ, एंड दिस इज़ अ ग्रेट शो दैट आसिम एंड शेरी हैव पुट अप, एंड आई होप दे कंटिन्यू डूइंग दिस काइंड ऑफ शोज, एंड आई एम I think Inkilab is also doing a good job over here. You guys are promoting these kind of festivities and activities to bring everybody together, even in this month of Ramadan, where everybody is fasting and everything, and we should have these kind of activities. Thank you very much.